प्रॉमिस किया था आरवी कि शादी के बाद तू पूर्वी को उसके मायके छोड़ के आएगा, उसे वापस इस घर में कभी नहीं लेके आएगा। मेरे सब कुछ क्या है? बोल। क्या बोलूं? उसको छोड़ना था लेकिन नहीं छोड़ पाया। नहीं हुआ मुझसे, नहीं छोड़ पाया उसे। क्यों नहीं छोड़ पाया तू उसे? क्यों नहीं? जब ये तय हो चुका था कि शादी के बाद हम उसे उसके मायके छोड़ के आएंगे और फिर कभी इस घर में नहीं रहेंगे, तू क्यों नहीं कर पाया? बोल ना आरवी, अचानक ऐसा क्या हो गया? हाँ आरवी, जब सब कुछ तय हो गया था तो उसे वापस क्यों लेकर आया, समझ में नहीं आया। एक सेकंड, लुक एट मी आरवी, तेरा बाप हूं मैं। साफ साफ बता मुझे, कहीं गलती से तेरे दिल में उस पूर्वी के लिए कोई? नहीं, प्लीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे छोड़ नहीं पाया इसलिए नहीं क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग है या मैं उसके लिए कुछ फील करने लगा हूं। नो, वो कोई नहीं है मेरे लिए, कुछ नहीं है वो। फिर क्या बात है, क्या हो गया ऐसा जो तू? कल रात खुशी मुझसे मिलने आई थी, मुझे रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर देने के लिए। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी बहन के आसपास भी नहीं भटक सकता। And I was okay with it. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने मुझसे कहा कि वो पूर्वी की दूसरी शादी भी कर रहा है। और सच कहा उसने, उसके घर पे मैंने देखा था कि उसको लड़के वाले देखने आए थे, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा फ्रेंकली। लेकिन फिर वो मेरे ऑफिस आ गई। कैन यू इमेजिन माँ, वो मेरे ऑफिस आ गई थी और पता है उसने मुझे क्या दिया? डिवोर्स पेपर्स, तलाक के कागज दिए उसने मुझे। तलाक? हाँ, पर ठीक ही था ना। इनफैक्ट तुम्हारा काम और आसान हो जाता आरवी। एग्जैक्टली, ऐसे या वैसे उसे छोड़ तो पाता? नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं। मेरी लाइफ में क्या होगा, मैं क्या करूंगा, क्यों करूंगा, कैसे करूंगा, ये खुशी डिसाइड नहीं करेगी। वो मेरी लाइफ, मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि मैं डिसाइड करूंगा उसकी लाइफ, उसकी लाइफ और उसका फ्यूचर। उसकी बहन की दोबारा शादी होती है या नहीं होती है ये वो डिसाइड नहीं करेगी, ये मैं डिसाइड करूंगा। वो मेरा डिवोर्स डिसाइड नहीं करेगी, मैं करूंगा। मैं अपनी लाइफ खुद हैंडल करूंगा और अपने डिसीजंस खुद लूंगा, वो नहीं लेगी। लेकिन बेटे ऐसे कैसे? नहीं डैड प्लीज, उसने बहुत गहरा जख्म दिया है मुझे, बहुत बुरा किया उसने हमारे साथ और अभी तक मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। आरवी, आरवी मोनिशा, क्या हुआ? बहुत नाराज है, पूर्वी के कमरे में जा रही है, उसे घर से निकालना चाहती है। यू हैव टू डू समथिंग नाउ। क्या? प्लीज जस्ट गो। तो समझ रही जो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ? जी जी, क्या मैं जो अभी तक बोल रही थी वो तू समझ रही है कि नहीं? अरे शर्मा क्यों रही है, मैं भी तो समझ रही हूँ, मैं भी सब जानती हूँ। तुम्हारे दादाजी ने ही मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में बात करूं, सो मैं तुम्हारे साथ अकेले में बात कर रही हूँ। तुम्हारे दादाजी ने भी देखा था, देखो तुम्हारे दादाजी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है, वो हंसी मजाक कर लेते हैं लेकिन हंसी मजाक अपनी जगह पे है और समझदारी अपनी जगह पे। तुम्हारे दादाजी बहुत ही समझदार हैं। इस पूरी में बिल्कुल अकल नहीं है क्या? What is wrong with her? उसने सब कुछ देख लिया, घर देख लिया, सबको देख लिया, then why the hell is she back? बिल्कुल spineless है ये क्या? ये मेरा ससुराल है, this is my house, यहाँ सब मेरा, आरवी मेरा है, मैं उसे से छीने नहीं दूंगी। She can't stay here. No. और अगर सबको लग रहा है ना कि मैं चुपचाप सब सह लूंगी तो they're highly mistaken. I'm gonna fight. I'm gonna fight for what's mine.
मैं लड़ूंगी अपने हक के लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी लाइफ के लिए। वो यहाँ नहीं रह सकती। सभी यहाँ से निकाल कर फेंकूंगी मैं। जानती नहीं है मुझे। अरे तू जानती नहीं है अपने दादाजी को? उनको पता चल गया था कि तेरे और आर्यों के बीच में कुछ हुआ है, तभी तो वो इतना टेंशन में आ गए थे। वो बार बार फोन करके आर्वी को पक्का कर रहे थे कि तू वापस आ रही है कि नहीं। दादी, I'm really sorry. अरे सॉरी नहीं बेटा, सॉरी क्यों बोल रही है तू? मुझे तो सिर्फ दादी। हाँ बोल। अरे बोल ना गुड़िया रानी, क्या हुआ बोल पुत्र। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पुत्र पूछ। आपको आर्वी मुनीषा की सगाई के बारे में पता था? अरे ओए पुत्र, कौन सी बात लेके बैठ गई? अरे मोनिशा, अरे वो तो मुझे और तेरे दादू को कभी पसंद नहीं आई। पता है तुझे, तेरे दादू ने जब सुना कि तेरी और आरवी की शादी होने वाली है, तब इन्होंने क्या डांस किया, पागलों की तरह झूमने लगे थे। वो क्या दादी, मैंने उन दोनों को। अच्छा, तुझे उन दोनों के बारे में पता चल गया, इसीलिए तेरी और आरवी की लड़ाई हुई थी? ओहो, ये बात तो मैं अब समझी। नहीं नहीं दादी, वो एक्चुअली कैसे बताऊं कि मैंने उन दोनों को एक साथ देखा था। दादी वो मैंने उन पुत्र, देख तू मेरी एक बात ध्यान से सुन। जिंदगी में शादी से पहले अगर कोई भी रिश्ते बनते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे जिंदगी है, वो तो चलती रहती है वक्त के हिसाब से, है ना? ठीक है, देखो अगर जिंदगी में कोई आता भी है, दिल लगता भी है किसी से, तो दिल उसे मानता भी नहीं है। जैसे मैं और तेरे दादू मोनिशा की सगाई को तो मानते ही नहीं थे, है कि नहीं? ये बात तो पक्की है कि सगाई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। मेरे लिए मायने रखता है तो वो है शादी। शादी में अग्नि के सामने फेरे लिए जाते हैं, मांग में कुमकुम भरा जाता है, वो भी भाग्य में लिखा हुआ होता है। शादी होने के बाद रिश्ते पक्के हो जाते हैं, पर शादी के पहले के रिश्ते तो आते जाते रहते हैं, टूट जाते हैं वो रिश्ते। अब तेरी आरवी के साथ शादी हुई है, ये तो बात पक्की है कि नहीं? तो बस आरवी अब तेरा है और सिर्फ आरवी तेरा ही है। देख बेटा, एक बात बताऊं, मैं तो हूँ बड़े पुराने ख्यालात के, पर मेरी जो सोच है ना वो आज की है, और तू जो लड़की है वो भी आज की है ना? तो मेरी एक बात मानेगी, आर्वी के साथ तेरी शादी हुई है तो वो तेरा है, तो जो अपना है उसको अपना बनाए रख, और वो तेरा हक है, और हक के लिए तुझे लड़ना ही पड़ेगा। कभी भी आज के बाद कभी भी जिंदगी में अपने हक के लिए लड़ना सीख, ठीक है? फिर मैं तो क्या, रब भी तेरे साथ है पुत्र, है ना? खुश रहे मेरी गुड़िया रानी, खुश रहे। तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम क्या करने जा रही थी? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था आरवी, उस पूर्वी को उस घर से निकालने जा रही। मोनिशा, तुम ऐसे कुछ नहीं करोगी। इस अ थ्रेट और अ चैलेंज, और दोनों केसेस में ना मेरा जवाब एक ही है, वॉच मी। निशा, वो मेरे लिए कुछ नहीं है, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो वो क्या कर रही है घर में आरवी? वो यहां वापस क्या कर रही है? तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रही है बताओ? मोनिशा, मैं क्या नो आरवी, क्या कर रही है वो इस घर में? उसे छोड़कर आने वाले थे ना, और उसे कभी वापस नहीं लाने वाले थे। That was the plan, right? तो वो क्या कर रही है वापस यहाँ पे? Why the hell is she back? हाँ, मैं नहीं लाने वाला था क्योंकि क्या? No what? मुझे बाकी लड़कियों की तरह मत समझना आरवी। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, और ना ही मैं रो दो के कोने में बैठ के अपनी हार मान लूंगी। मैं मोनिशा हूँ, मोनिशा, और तुम जानते हो मैं कैसी हूँ। मैं लड़ूंगी। I'm gonna fight for what is mine. गलती से भी मत सोच लेना कि मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगी। नहीं, never. You hear me? Never. मेरे वारवे।
तुमसे इतना प्यार करती हूँ आरवी, क्योंकि तुमने मुझे पहले बताया होता ना कि तुम इस पूर्वी से शादी करना चाहते हो, उस खुशी से बदला लेने के लिए मैं हाँ कर देती, और मैंने किया भी ना। जब तुमने मुझे सब कुछ बताया, जब मुझे सब पता लगा, आई अग्री, डिडंट आई? तुम्हारे नाम का कुमकुम मैंने किसी और की मांग में देखा, तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र किसी और के गले में, और सारा जहर मैंने तुम्हारे लिए चुप होकर पिया ना। तुम क्यों लुहामना चाह लगी? तुम समझ रहे हो मैं कितना प्यार करती हूँ? सब समझ रहा हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे, तुम मैं तुम्हारे लाइफ में इतने समय से नुआर भी की कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं अलग हुआ भी करती थी कि नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, समझ आ रहा है तुम्हें मेरा मतलब क्या है आरवी? तुम्हें अपना मान चुकी हो, यू आर माइन, और मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें किसी और को छीने नहीं दूंगी। वो पूर्वी इस घर से हट जाएगी और मैं उसे खुद निकालूंगी। मोनिशा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, हर बात, लेकिन ये नहीं, लेकिन ये नहीं। मैं तुम्हें पूर्वी को यहां से नहीं निकालने दूंगा। बेटे, ऑल वेल? कुछ ठीक नहीं है, पर अच्छा हुआ आप सब लोग आ गए, तो मैं एक बार फिर सबके सामने बता देता हूं कि मैं ही पूर्वी को इस घर में वापस लाया, वापस लाया। हाँ, मैं पूर्वी को इस घर में वापस लाया हूं बदला लेने के लिए, क्योंकि मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है अभी तक। जो सुकून, जो फीलिंग मुझे मिलनी चाहिए थी, जो बदला पूरा होके मिलती है, वो मुझे नहीं मिली। जैसा लगना चाहिए था वैसा नहीं लगा है मुझे, इसीलिए मैं उसे वापस लेकर आया। एंड बाय द वे मोनिशा, कभी कभी दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। अगर तुम एक्सपेक्ट करती हो ना कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, तो तुम्हें सुनना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हें कोई आइडिया भी है क्या हुआ? ये खुशी जिसे बदला लेने के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, पता क्या किया उसने? वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स लेके मेरे पास आई थी, कानूनी कागजात लेके आई थी, ताकि मैं उसकी बहन से दूर रह सकूं। सिर्फ इतना ही नहीं किया उसने, उसके इतने गट्स, इतनी हिम्मत कि मेरे ऑफिस आ गई तलाक के कागज लेके। यस यस, पूर्वी से तलाक के कागज लेके आई थी वो, और इतनी देर में उसके घर पे पूर्वी के लिए रिश्ता आ गया था। अब बताओ क्या ये था मेरा बदला? ऐसे मेरा बदला पूरा होता नहीं। अरे, मेरा बदला तो तब पूरा होता जब वो खुशी मेरे पैरों पे गिर के मुझसे माफी मांगती, अपनी नाक रगड़ती मेरे पैरों पे अपनी बहन के लिए, वैसे जलील होती जैसे उसने हम सबको मजबूर किया था जलील होने पे, वैसे टॉर्चर होती जैसे हम सब टॉर्चर हुए थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। वो वापस सब कुछ पलट रही है, एक बार फिर वापस मेरा भाग्य, मेरी लाइफ डिसाइड कर रही है। वो जो वो चाहती है वही कर रहा हूं मैं, लेकिन नहीं, अब नहीं, अब मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरा भाग्य, मेरी किस्मत, मेरी लाइफ वो नहीं लिखेगी। मैं अपनी लाइफ उसके हाथों में नहीं दूंगा, मैं मेरे परिवार की लाइफ उसके हाथों में नहीं दूंगा, मेरे परिवार को उसके हाथों में खिलौना बनने नहीं दूंगा। Do you get that? अगर पूर्वी की दोबारा शादी होती तो ऐसा ही होता, वो खुशी जीत जाती, एक बार फिर से मुझे दर्द दे देती, एक बार फिर से मुझे जलील कर देती। Listen to me. Just look at me. अगर मैं पूर्वी को यहां नहीं लाता तो क्या होता बताओ? वो खुशी जीत जाती ना, सब कुछ उसके हाथों में आ जाता कि नहीं आ जाता, उसको वापस खुशी मिल जाती कि नहीं मिल जाती बताओ? वही खुशी जो मैं अपने परिवार को देना चाहता था, इसीलिए मैंने पूर्वी को यहां वापस लाया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत गलत किया उस खुशी ने मेरे साथ, लेकिन अब मैं समझ गया कितना आसान नहीं है बदला। बस शादी करके छोड़ देना इतना आसान नहीं है बदला लेना। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, उसको भी और टॉर्चर करना है और दर्द देना है उसको,
और वो तभी होगा जब पूर्वी यहां रहेगी। अगर पूर्वी वहां उसके घर पर रहेगी ना तो खुशी जीत जाएगी, उसको तो सुकून मिल जाएगा। लेकिन अब नहीं, अब पूर्वी यहां है तो सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, सब कुछ और मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं। वहां वो खुशी तड़पेगी और मैं यहां रहूंगा इस घर में पूर्वी के साथ। मैं सह लूंगा, झेल लूंगा उस पूर्वी को, सिर्फ और सिर्फ उस खुशी को टॉर्चर करने के लिए। आई होप तुम समझ गए होगे मेरी बात, एंड आई होप कि आप सब भी समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। जो दर्द, जो गुस्सा, जो बदले की आग मेरे अंदर है, मुझे उसे खत्म करना है। इसलिए मैं आप सबका साथ मांग रहा हूं। मैं सिर्फ अपने अपनों से ही हेल्प मांग सकता हूं। मां, बेटे तुझे अपने बाप से मांगने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। I'm sorry, आरवी, लेकिन आज जो मोनिशा बोलेगी, आज जो इसका स्थान रहेगा, मैं इसका साथ दूंगी। थैंक यू एवरीबॉडी। आई नो ये सब करना आसान नहीं है, ये आउट ऑफ द कैरेक्टर जाके हमें सब कुछ करना पड़ रहा है जबकि हम ऐसे है ही नहीं। मुश्किल है बहुत, पर मां याद है आपने क्या कहा था, पाप करने वाला पापी होता है लेकिन पाप सहने वाला उससे भी बड़ा पापी होता है। तो जो पाप पहले सहा है ये उसका प्रायश्चित कर रहे हो, ये सब करना पड़ेगा। कैसे भूल सकता हूं मैं कि मेरी बहन की शादी उस घटिया आदमी से हुई है, वो भी इसी खुशी की वजह से। मेरी बहन मेरी शादी में तक नहीं आई क्योंकि उस आदमी ने आने नहीं दिया, उसे नरक में जी रही है वो। मुझे कोई बुरा समझे तो समझे, गलत समझे तो समझे, लेकिन मैं मेरा बदला पूरा करके रहूंगा। तुमने खुशी नाम की लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। उस खुशी ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब मेरी बारी है, उसे छोड़ूंगा नहीं। जो करना पड़े करूंगा, जिस हद तक जाना पड़े जाऊंगा, लेकिन अपना बदला पूरा करूंगा। तो जगह ही नहीं है, अब मेरे इतने सारे कपड़े कैसे आएंगे? इसको साइड दे दो, जो सारे आ जाएंगे।
ये क्या? ये कपड़े मेरे हैं। तो यहाँ क्यों है? अपने बैग में रखो ना। बैग में क्यों रखो? क्योंकि रूम या अलमीरा मेरा है। हाँ तो अब मैं भी आ गई हूँ ना, फिर रूम या अलमीरा मेरा भी है, शेयर करना पड़ेगा तुम। ऐसे क्या देख रहे हो? अभी मत बोलो तुम्हें आइडिया नहीं था कि मैं सब यूज करने वाली हूँ। कोई बात नहीं, अब हो गया ना, तो ये अलमीरा ये रूम मैं भी यूज करूंगी। देखते हैं कितने दिनों के लिए। अब तुम्हें ये लग रहा है कि मैं बेड शेयर करने के लिए भी बोलूंगी? तो नहीं, मैं नहीं बोलूंगी।